अभी तक के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक के सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक से लेआउट पढ़ा, एक्टिविटी के बारे में देखा, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पढ़ी, है ना। अभी लेआउट भी हमें बताना है आपको, ठीक है, कि लेआउट और भी बहुत सारे जो लेआउट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और अभी साथ ही साथ हम लोगों ने बेसिक व्यूज की प्रैक्टिस करी, कुछ बेसिक व्यूज जैसे जैसे रेडियो बटन बनाना, टेक्स्ट फील्ड बनाना, चेक बॉक्स बनाना, ये सब सीखा, और उन पे इवेंट करना सीखा अलग अलग तरीके से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट के बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमने एक्शन करना सीखा, बहुत सारे इम्प्लिसिट एक्शन, जैसे शेयरिंग करने के लिए, ठीक है, बटन पे क्लिक करने से कॉलिंग हो जाए, या हम क्लिक करते ही कॉन्टैक्ट मतलब हमारा जो है मेल का कॉन्टैक्ट में मेलिंग चला जाए, अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस के लिए वो फीचर अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। बहुत सारे इम्प्लिसिट एक्शन हमने करा। तो अभी कुलदीप का क्वेश्चन था कि सर हम अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे कैसे लेके जाते हैं। तो देखो, वैसे तो मैं जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो प्ले स्टोर पे कैसे लेके जाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा, बट अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका भी जवाब दे देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अभी तक जो हम एप्लीकेशन बनाते आ रहे हैं तो एप्लीकेशन में हम एक एपीके फाइल बनाते हैं और उस एपीके फाइल को अपने फ़ोन में रन करते हैं। तो एक ऐसा भी तरीका होता है कि एप्लीकेशन में एपीके फाइल आप अलग से, मतलब कहीं से भी एपीके फाइल आप ऐसे जनरेट भी कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ बिल्ड ऑप्शन होता है, यहाँ पे बिल्ड एपीके इसका ऑप्शन होता है, तो बिल्ड एपीके पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन का एपीके मैन्युअली बिल्ड करिए और फ़ोन में डाल दीजिए, किसी के फ़ोन में डाल दीजिए। आप कॉपी करके कहीं पे ड्राइव में शेयर करके रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप रन कर रहे हो तभी एपीके बनेगा और आपके फ़ोन में चलेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि बिल्ड में जाके एपीके बनाइए और एपीके आप यहाँ पे फ़ोन में किसी के फ़ोन में शेयर कर दीजिए, किसी भी माध्यम से, चाहे मेल से, चाहे चैट से, चाहे कैसे भी। लेकिन जब आप एपीके, यही एपीके प्ले स्टोर पे ले जाओगे तो ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहला जो कदम होता है आपकी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे ले जाने के लिए, कि ये नॉर्मल एपीके प्ले स्टोर पे जाते ही नहीं है। आप जैसे ड्रीम इलेवन की हो गई एप्लीकेशन, या हल्ला प्ले की एप्लीकेशन हो गई, या ऐसे बहुत सारे जो गैम्बलिंग वाली एप्लीकेशन हैं, जो कायदे से वो गैम्बलिंग की एप्लीकेशन, मतलब वो प्ले स्टोर की जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करते हैं, उन एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हो तो वो ऑफिशियल साइट पे ही होते हैं, वो प्ले स्टोर वाले नहीं होते हैं, उनके अपनी साइट पे होते हैं। उनको जब लाते हो तो ऐप में डालते भी हो तो कहता है कि अननोन सोर्सेज से जो एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ से अलाउ करवाइए, तब इसको इंस्टॉल कर पाते हो, है ना। लेकिन जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाती है उस एप्लीकेशन के लिए ये नॉर्मल एपीके नहीं चलता है, उसके लिए हमें एप्लीकेशन में साइंड एपीके जनरेट करना पड़ता है। साइंड एपीके सबसे पहली चीज है ना, जो फर्स्ट स्टेप इसका यही है, अगर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे ले जाना चाहते हैं तो साइंड एपीके बनाइए, ठीक। और कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जा सकती है, जैसे सिंपल सी हेलो वर्ड वाली भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जा सकती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइंड एपीके होना चाहिए। साइंड एपीके कहां से बनता है? इसी बिल्ड वाले ऑप्शन में, यहीं पे आप देखिए, यहां पे लिखा जनरेट साइंड एपीके, ठीक है, जनरेट साइंड एपीके। कैसे कैसे बनता है देखेंगे हम। अच्छा, दूसरा स्टेप ये होता है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको $25 खर्च करने पड़ेंगे एक टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए, बार बार नहीं। आपको जो इनका जो डेवलपर कंसोल है वो अकाउंट परचेज करना पड़ेगा, डेवलपर कंसोल का अकाउंट परचेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, गूगल है ना, डेवलपर कंसोल। अब देखो, डेवलपर कंसोल पे पेमेंट करने के तो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। ये डेवलपर कंसोल पे जब साइन करोगे, मतलब अपना साइन अप वगैरह करोगे ना, अकाउंट क्रिएट वगैरह करोगे, तो ये कहाँ जा रहा है, कंसोल क्लाउड पे जा रहा है, ये कोई दूसरा जगह ओपन और देखे जा रहा है, रिडायरेक्ट कर, ठीक है, ये developers.google.com नहीं, यहाँ पे होता है ये developers.play console, ये है बेसिकली, ठीक है,
तो ये साइट का नाम है, यहाँ पे इस साइट पे जाके आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के टाइम पे आपसे अकाउंट बनवाएगा, पैसा मांगेगा, $25 आपको एक बार में देना, एक बार में पे करना है आपको, ठीक है। अच्छा, जब आप एक बार यहाँ पेमेंट कर दोगे $25, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो वैसे तो ये हर जगह से लेता नहीं है, तो जो आपके इंटरनेशनल बैंक हैं जैसे ICICI है और बहुत सारे हैं, जो एक्सिस है शायद, तो उन सब से जो है पेमेंट ये एक्सेप्ट करते हैं। और वहाँ ऑप्शन भी आएगा कि ये कार्ड यहाँ पे चलते हैं, वो कार्ड आप वहाँ पे दीजिएगा। और वैसे तो मैंने देखा है, तो गूगल पे फोन पे में भी प्ले कंसोल को पैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं पता नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने तो अपना ICICI वाले अकाउंट से, उससे ही मैंने पेमेंट किया था, या कहीं और से किया था, जो भी है, एक बार मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट डायरेक्ट साइन इन कर लूँगा, तो मेरा जो सेम अकाउंट से है ना, यहाँ पे ये मेरी सेम ID है जिससे मैं यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपर अकाउंट, डेवलपर कंसोल अकाउंट मेरे पास है। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन अपनी प्ले स्टोर पर डलवानी है, तो वो जो एप्लीकेशन है, अब यहाँ पे मुझे अपने फ़ोन में जाके कुछ वेरीडे, आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए एप्लीकेशन का जो टाइटल होता है, एप्लीकेशन का जो नेम होता है, उसके अंदर की जो इमेजेस होती हैं, कुछ अलग अलग साइज़ की इमेजेस लगती हैं, उसका पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन कर लीजिए, मतलब सब कुछ संभाल के रख लीजिए। उसके बाद आपका जो साइंड APK यहाँ से आता है, अभी मैं बता रहा था, यहाँ से आप ये नॉर्मल APK देखिए, हमने बिल्ड किया था, इतना टाइम लगा था, तो इसको आप लोकेट पे क्लिक करिएगा, तो नॉर्मल APK लोकेट यहाँ से हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये लोकेट होके आ गया, ये APK है, ठीक है। और साइंड APK बनाने के केस में क्या स्टेप होता है वो मैं बता देता हूँ। साइंड APK बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये बिल्ड पे जाएंगे और यहाँ पे जनरेट साइंड APK, साइंड APK भी जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि भाई कैसे बनाना है, तो ऐप बंडल या APK, तो बिल्ड साइंड APK पे क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब कोई भी साइंड APK बनाने के लिए एक हमें जो है की पाथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, की पाथ ये बेसिकली हमसे बनवाते हैं। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई की पाथ है उसको चूज कर लीजिए या क्रिएट न्यू कर लीजिए, ठीक है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है, एक की पाथ क्रिएट कर लीजिए। की पाथ का मतलब एक जगह होता है जहाँ पे आप एप्लीकेशन रखते हो, या कुछ मतलब ऐसा समझ लो इसी के माध्यम से ही साइंड APK जनरेट होता है ना। तो सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, लिनेवो, लिनेवो फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप होगा मेरे ख्याल से, यूजर्स के अंदर, लिनेवो के अंदर डेस्कटॉप पड़ा होगा, ठीक है। इसी डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, माई की पाथ करके, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो माई की पाथ एक फोल्डर बन गया, अब इसमें फाइल का नाम दे दिया, माई की पाथ फाइल दे दिया, राइट, और उसके बाद ओके कर दिया। .js इसका एक्सटेंशन होता है, तो सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, लिनेवो के अंदर की पाथ एक JS फाइल बन जाती है। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ता है इस पर्टिकुलर की पाथ का, तो पासवर्ड जो है मतलब भूले नहीं, इसलिए पैकेज का नाम देना चाहिए, वैसे आपकी इच्छा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। और ये एलियास जो होता है, एक निकनेम होता है, की 0 लगा हुआ है रहने दीजिए, पासवर्ड इसका भी दे दीजिए। अब जो आपकी ये APK, सॉरी, ये जो की पाथ बन रहा है नया, उसकी वैलिडिटी कितनी रहना चाहते हो, तो ये 25 ईयर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है ना, तो यहाँ टाइम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, उसकी वैलिडिटी है ये, तो बाय डिफॉल्ट है। अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिटेल दे दो, बट ये ऑप्शनल है, जो चीज़ ऑप्शनल है सर्टिफिकेट की डिटेल, उसे छोड़ के ओके कर दीजिए। अच्छा, कह रहे हैं कि ये इम्पर्टी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो मैंने लिख दिया जी एंड्रो जावा, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये सारा चीज़ जो है दे देते हैं, कोई बात नहीं, ये लीजिए। कंट्री कोड वगैरह तो ज़रूरी नहीं है, पहले तो नहीं होती थी, अभी भी नहीं है, एंड ओके कर दीजिए आप, ठीक है।
अब देखिए ये हमारा की पाथ क्रिएट हो गया। अब जो की पाथ क्रिएट हो गया उसका पासवर्ड यहाँ पे आ गया, एलियाज आ गया, निकनेम आ गया, रिमेम्बर पासवर्ड करना चाहते हो तो वो भी कर लो, एंड उसके बाद अब आप करिए नेक्स्ट। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो की पाथ बनाना। अब यहाँ पे जो एपीके है वो कौन सा बनाना चाहते हो, तो जब एपीके होता है वो हम बनाते हैं वर्जन, देखिए यहाँ पे एक डिबग एक होता है रिलीज, तो आप रिलीज यहाँ सेलेक्ट करिएगा और यहाँ वर्जन वन वाला बनाइएगा पहले, ठीक है ना, जार साइनर या फुल एपीके, मुझे लग रहा है कि वर्जन टू सेलेक्ट करिए आप यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद इसको कर दीजिए फिनिश। फुल रिलीज का एक एपीके बना के आपको दे देगा, ये बन गई अब साइंड एपीके। अब ये साइंड एपीके जो बन गई है, इस एपीके का एक वर्जन है, वो वर्जन क्या है वो आप मैनिफेस्ट में जाके यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, कहाँ होता है, ग्रेडल में होता है, ग्रेडल के अंदर, ग्रेडल ग्रेडल ये ग्रेडल जो होता है हमारी ना, यहाँ पे आप जाइए तो इस ग्रेडल में जो प्रोजेक्ट लेवल पे ग्रेडल होता है, तो हमारी एप्लीकेशन का ये तो ग्रेडल का वर्जन है, ये मॉड्यूल लेवल का ग्रेडल है, यार मॉड्यूल लेवल के ग्रेडल में ही होता है, या अभी तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है क्या, ये ऐप लेवल का ग्रेडल है यहाँ पे, नहीं कुछ हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। हाँ तो ऐप लेवल के ग्रेडल में ऊपर जाइए, हाँ ये देखिए वर्जन कोड है, ये वर्जन नेम है, ठीक है, तो अभी आपका वर्जन कोड वन है, जैसा ऐप आती है ना तो आप देखते होगे उसका वर्जन अपडेट अपडेट होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो अभी वन वर्जन है, उसका वर्जन नेम भी 1.0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन का एपीके जनरेट करिएगा तो क्या करिएगा, इसको वर्जन 2 कर दीजिएगा या 1.1.0 कर दीजिएगा या 1.0.1 कर दीजिएगा, ठीक है, तो जो भी आपको रखना होगा जितने आप रिलीज भेजना चाहते हो। फिर उसके बाद उसी प्ले स्टोर पे उसी डेवलपर कंसोल पे आप इसको अपडेट कर देंगे, तो जब अपडेट कर देंगे कोई भी बंदा ऐप चलाएगा तो उसको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, या अपडेट वहां कर लेगा, ओपन करेगा या अपडेट करेगा, या नहीं होगा तो फिर नोटिफिकेशन आपको भेजना पड़ेगा कि भैया अपडेट कर ले, है ना, ऐसा है। सो उसमें कई चीज़ें हैं फिलहाल, तो ये रिलीज एपीके जो है, साइंड एपीके जो है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक साइंड एपीके बनेगा नहीं एप्लीकेशन का, तब तक एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पे जाएगी नहीं। तो किसी और का जो डेवलपर कंसोल है वो अपने डेवलपर कंसोल ओपन कर दे, और जो हमने ये साइंड एपीके बनाई है उसको वो डाल सकता है, चाहे अभी डाल सकता है, आपको पूरा प्रोसेस किसी का है डेवलपर कंसोल, हाँ जी किसी का नहीं है, है? ले लीजिए भाई, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए डेवलपर कंसोल। क्या आवाज आ रही है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों पर, तो उसका उसका देखो उसका देखो एक फायदा यह है कि आप अपनी अनलिमिटेड एप्लीकेशन बनाइए और एप्लीकेशन बना के अपलोड करिए, ठीक। अब फिर पूछोगे पैसे कैसे कमाते हैं, है कि नहीं, हैं? यस सर। साइन आउट करता हूँ ऑल अकाउंट्स, रुको यार एक बार जरा ना, मैं साइन इन अगेन कंटिन्यू, यहाँ से जाते हैं, ये पॉज हुआ है, पैसे कमाते हैं कैसे कमाते हैं भाई पैसे, किसी को पता है? ऐप बना दोगे प्ले स्टोर पर डाल दोगे तो फिर पैसे कैसे आएंगे? एड वगैरह आ रहे हैं कुछ ऐसे समथिंग, एड वगैरह जो आते हैं ना अपन पे, तो कैसे आते हैं वो अपने अपने आप आ जाते हैं जब ऐप आप बना लोगे, तो देखिए साइंड एपीके जो है हमारा बिल्ड हो गया है, सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, यहाँ से जाइए लोकेट कर दीजिए, ये देखिए ये हमारा साइंड एपीके रिलीज्ड एपीके जो है यहाँ से ये आ चुका है, ये ऐप रिलीज करके, इस ऐप रिलीज को आपको जो प्ले स्टोर पे आप अकाउंट परचेज करेंगे उसमें ले आके पब्लिश कर देंगे, ठीक है।
ऐप को पब्लिश करने का जो स्टेप है वो आपको मैं बता देता, अभी बता देता, लेकिन जब मेरा ये ही नहीं चल रहा है कोई, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर आपका किसी का चल रहा हो तो आप बताओ, उसमें ही पब्लिश कर देंगे। और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जी ऐप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आप पब्लिश कर पाओगे। आपके पास कोई भी ऐप है, कोई छोटी सी छोटा ऐप, जैसे आपने रिज्यूम बिल्डर वाली एप्लीकेशन बनाई है, कोई दो नंबर कैलकुलेटर बनाई है, कुछ भी बनाई है, उसको आप पब्लिश करके डेमो पर्पज़ के लिए देख सकते हो, ठीक है? फिर बाद में धीरे धीरे आप, तभी तो नॉलेज बढ़ेगा ना। इसके बाद देखिए अगला जो प्रोसेस है, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, आगे की चीजें पब्लिश वब्लिश कैसे करना है, वो एक रास्ता मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है। अब देखिए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐप में और हमें क्या करना है और क्या सीखना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि फ्रंट एंड पे वैलिडेशंस और उसमें अलग अलग टाइप की वैलिडेशंस हम कैसे कैसे लगाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए देखता हूँ जी मैनिफेस्ट में जी मेरा कौन सा एप्लीकेशन, कौन सी एक्टिविटी पहले चलती है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा नेक्स्ट नाम की एक्टिविटी क्लास है, ये पहले चलती है, और इसके अंदर ही मैंने ये इंटेंट लेआउट करके ये बनाया हुआ था, है ना? तो इंटेंट लेआउट नाम से एक लेआउट क्रिएट किया हुआ था। तो अभी मैं आपको एक लेआउट यहाँ से उठाऊंगा, है ना? चलो मैं पुराने ही प्रोजेक्ट से आपको उठा के दिखाता हूँ, मे बी हो या ना हो, होना ही चाहिए, तो होना चाहिए। अच्छा तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से SRC में जाके, रिसोर्सेस के अंदर जाके, लेआउट में जाके, यहाँ पे एक रजिस्टर और एक लॉगिन, है ना, और स्प्लैश पेज भी बताना था आपको, सिखाया था स्प्लैश, और बस ये तीन जो है मैं यहाँ से XML कॉपी करूँगा और यहाँ पे एप्लीकेशन में लेआउट में पेस्ट कर देता हूँ, से रिफैक्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि जी बहुत स्पेशल है, आपको सब मतलब वही पिछला वाला ही जो आपने पढ़ा हुआ है, सिंपल रिलेटिव लेआउट का यूज करके ही डिजाइनिंग करी गई है। लेकिन उसको लाने के पीछे यही है कि इसमें मैंने वैलिडेशंस लगाए हुए हैं फ्रंट एंड पे, वो मैं आपको समझा दूंगा कि वैलिडेशंस कैसे हम लगाते हैं। रजिस्टर डॉट XML में, ओके ओके ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो जब इसको मैं ले आऊंगा ना, तो इन पर्टिकुलर XML के साथ साथ कुछ मतलब इसके अंदर शेप्स हैं जो मैंने, मतलब इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, बहुत सारे शेप हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। अब कौन से शेप है ये मुझे याद नहीं है। पिक्स तो नहीं है, यही शेप होंगे, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और ड्राइवल के अंदर ये शेप जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये सारा, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा अभी जान आ जाएगा कुछ, ठीक है? इस तरह से कुछ शेप बनाए गए हैं, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह, जो आपको पहले ही बताया गया है इसे पैसे ऐसे बनाए जाते हैं। और अभी हमारा रजिस्टर XML था, ठीक है? तो आप देखिए थोड़ा सा मतलब ये बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा पहले से ही जो ये आइकन है ना, वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है, इसलिए ये चीजें सही नहीं आ रही हैं। तो जूम कर थोड़ा 1 मिनट, जूम अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, है ना? नहीं जूम कर थोड़ा, तो बहुत दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का मतलब अच्छा, ठीक बहुत है छोटा दिखाई दे रहा है सर। ठीक है ठीक है, अभी तो फिलहाल ये हैंग कर गया है।
पांच विकेट हो गए राजस्थान के। ओके 42 पे सही है, बहुत ही बढ़िया। सो अभी मैं यहाँ से ड्राइवल फोल्डर से आईसी लॉन्चर का बैकग्राउंड, कुछ और भी बैकग्राउंड्स थे, मैं इसे भी ले जाता हूँ, वहीं पे लगा देता हूँ। वैसे पता नहीं किसका यूज है किसका यूज नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता है, इसलिए मैं सारा ही ले जा रहा हूँ। यहाँ पे ओवरराइड ऑल कर दिया, अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो आ जाएगा। और एक मिप मैप फोल्डर के अंदर, मेरे ख्याल से मिप मैप के अंदर यहाँ पे जो है ये हमारे लॉन्चर आइकन है। तो लॉन्चर आइकन तो कोई भी बदल सकता है, अपना अपना रख सकते हो आप, है ना। अब मैं लॉन्चर आइकन कहीं से चलो मैं यही मान लीजिए उठा लेता हूँ। या मेरे पास कहीं और प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है तो मैं वहाँ से लॉन्चर आइकन उठा लेता हूँ, ताकि मतलब थोड़ा सा ये यहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। आईसी आईसी वेब करके भी है, चलो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी एप्लीकेशन जब हमारा हमारा लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज पहले मैं देख के आता हूँ कि कैसे दिख रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन पेज है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा लॉगिन पेज है। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें यूज हुई हैं, इस तरह इसलिए इस तरह से ये दिख रहा है। अब ये छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट मोड में किया है, स्प्लिट मोड में नहीं किया है ये, अब स्प्लिट मोड में हुआ है। अब यहाँ से कुछ वर्ड डायमेंशंस डायमेंशन बहुत सारी चीजें उठाएगा, डिम के अंदर से ही सारी चीजें उठाएगा, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत इसमें दो तीन चीजें और हैं, जब मैं कॉपी कर लेता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि जी मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। एटलीस्ट आपको भी याद रहेगा कि इसमें ये चीज़ें यूज हुई हैं, है ना। अब म्यूट कर लीजिए, किसने म्यूट नहीं किया है प्लीज़ म्यूट कर लीजिए आप, है ना। तो रेस के अंदर वैल्यूज़ लेआउट, वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास डायमेंशन पड़े होंगे, ये जो डायमेंशंस हैं कलर हैं और ये सारी चीज़ें हैं, स्टाइलिंग है, ये वैल्यूज के अंदर से है ना। तो वैल्यूज के अंदर से ये सारी चीजें हम अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज के अंदर ही ओके कर देते हैं, तो वो सारा चीज जो है जो एज इट इज चीजें है ओवरराइड हो जाएंगी और डायमेंशन वगैरह सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, मतलब कहने का ये है। तो अब जब इसको रियल टाइम पे भी रन करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी आप देखो तो थोड़ा सा स्पेसिंग और स्पेसिंग भी आ रहा है, है ना, कलर भी थोड़ा अलग ही आ गया है ना। तो रजिस्ट्रेशन पेज, अच्छा अब ये रजिस्टर वाला पेज जो है मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले रजिस्टर वाले पेज में ये इसमें इस कुछ स्पेशलिटी नहीं है, और क्या है मैं आपको अभी एक मिनट में समझा दूंगा। बट रजिस्टर एग्जाम्पल को हमें नेक्स्ट की एक्टिविटी पे यहाँ कॉल करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे जब हम इसको हिट करेंगे तभी तो ये दिखेगा ना, किसी एक्टिविटी के साथ लिंक करेंगे। अब एक मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है ना। ओके सो मेरा यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो है। अब इसमें मैं register.xml को लिंक कर दूंगा, राइट, एंड इस एप्लीकेशन को रन करूंगा आपके लिए। अभी मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया, सिंपल सा पेज बनाया है। अब पेज भी बनाने में क्या है कि आप मतलब मेहनत कर सकते थे
आपकी इच्छा है, आप भाई आपको इतना सारा सिखाया गया आप करो ठीक है, बट मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा था इसलिए मैंने जो है कोड उठाया और लगा दिया है ना। और यहाँ से वाइजर भी आपके लिए ऑन कर दिया है ताकि एप्लीकेशन का साक्षात्कार हो जाए, आपको ऐप दिख जाए, विकेट कितना भी गिर जाए उससे हमें दिक्कत नहीं है, बट ऐप दिख जाए है ना। वो तो अब आजकल तो रोज ही विकेट गिरेगा, ये हमारी ऐप आ गई। और समझे भाई कुलदीप, ये एप्लीकेशन हमारी आ गई, ये यहाँ पे एरर आ गया भाई ऐप में। अब इसमें एरर क्या क्या आ गया भाई, कलर कलर ये सब कलर वलर नहीं मिल रहा है ना। तो जो हमने ऐप में ऐप जब कॉपी पेस्ट करते हो ना तो ये भी कुछ समस्याएं जो है ये बनी रहती हैं, लेकिन जब मैंने पूरी वैल्यूज ही उठा के उसके अंदर डाल दिया था तो ये अच्छा, ये ऐप में ऑलरेडी जो हमारी मतलब कलर थे ना वो नहीं मिल रहे हैं, हमने उसको रिप्लेस कर दिया था ठीक है, तो हमारे कलर जो है वो नहीं मिल रहे हैं एट द रेट कलर के अंदर से, पर्पल वगैरह कलर। तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, 2 मिनट लगेगा ठीक है। वो हमने गलती करी कि हमने कलर एसेंट तो यहाँ पे नेम है ही, और क्या क्या नहीं मिल रहा है। ये सब तो मिलने लगा, इसे कहाँ पे था, कलर के अंदर था, थीम के अंदर था ना, थीम में कलर पर्पल, ओके 500। तो कलर्स के अंदर गया और यहाँ नेम दे दिया कलर पर्पल, ठीक है एसेंट तो है ही हमारे पास, और थीम में क्या है भाई, और क्या नहीं मिल रहा है। और कलर 700 वाला भी एक है, फिर वाइट है। तो फिर मैं एक काम कर लूँगा, मैं थीम जो है थीम में जो कलर मिल रहा है वही कलर लगा दूंगा सब जगह। अब बनाने से अच्छा यही है कि भाई इसी में एडजस्ट करो आप लोग, एक ही थीम सबका रहेगा। और बताइए, तो कुछ गड़बड़ होगा तो देखा जाएगा है ना। अब कुछ चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट करी है तो इसमें अब देखो, यहाँ कलर एसेंट दो दो जगह आ गया ना, ये समस्या हो गई। फिर से रन कर देते हैं एप्लीकेशन, और ये हमारी एप्लीकेशन अभी देखेगी, रजिस्ट्रेशन पेज दिखेगा, मतलब किसी पेज पे कोई पेज अगर ऐसे। अब डिज़ाइन भी कैसे हुआ है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, अगर आपको अच्छा लगेगा, बस इसमें लोगो सही नहीं होगा बस। अब देखो यार, ये कौन सी थीम है, राइट थीम, कितने थीम यूज हो रहे हैं भाई। अभी तो मैंने इसको किया है सही, अब इसको ऐसे राइट क्लिक करते हैं और क्लोज ऑल कर देते हैं ठीक है, और ऐप यहाँ से सेलेक्ट करके फिर से रन करते हैं। एडिट टेक्स्ट में जो हमने एडिट टेक्स्ट मेन एक्टिविटी है उसमें कई स्ट्रिंग जो है वो हमने ऐप में ले रखा है, वो गड़बड़ कर रहा है ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सोचा नहीं, मैंने चेंज सब मार दिया, बल्कि फ्रेश प्रोजेक्ट होता तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, समझ रहे हो। जो हमने टेस्ट बनाया है और उसमें ये हटाने से यही समस्या आ गई। अब उसको कंट्रोल जेड कर दूं, अंडू कर दूं तो हो सकता है,
चलो अभी एक आधा हो सकता और भी आए, और भी दिखाई है कई जगह। मैंने सारा स्ट्रिंग, ये चीज सोचना चाहिए था हमें, क्योंकि सारे स्ट्रिंग और सारी चीजें हमने रिप्लेस कर दी हैं। तो अब कहाँ सर पे एक काम करो ना सर, इसे ऐप को वही कर लो, डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो ना। वो और बड़ी समस्या है वो। अब कैसे? उसकी उसकी लाइब्रेरी और वो सारी चीज़ें जो है डुप्लीकेट हो गई हैं। कई ऐसी लाइब्रेरी होंगी जो प्रोजेक्ट में अब डुप्लीकेट हो गई होंगी, तो फिर वो लाना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो आप? तो फिर सर डुप्लीकेट वो से चल सके चांस है फिर चलने के। नहीं, फिर अब हमें नए वाले जो है अपलोड करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से अपडेट करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? प्रोजेक्ट में अलग अलग जगहों पे हमें उसको अपडेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऐप में किसी चीज़ की लिंकिंग हुई है, कोई बात नहीं, ये मेन एक्टिविटी थी, ये आउटर लिसनर था, इन दोनों को डिलीट मार देता हूँ, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है? ये हम यहाँ से डिलीट एनीवेयर कर देते हैं, ठीक? दो चीज़, और इनके जो लेआउट्स हैं उनको भी डिलीट मार देते हैं, जैसे मेन एक्टिविटी का, नेक्स्ट एक्टिविटी का इंटेंट, हमें ये लेआउट नहीं चाहिए, मान लो इनमें कहीं यूज हुआ हो, ठीक है? तो जो हमें चाहिए ही नहीं, ये लीजिए, इसको भी हमने यहाँ से कर दिया सेफली डिलीट। अब बताइए कहाँ प्रॉब्लम आएंगे? अब भी जो आएगा तो सब वो भी डिलीट कर देंगे, और फिर वही प्रॉब्लम आएगा सारा ही डिलीट कर देंगे, फिर पूरा कोड ही डिलीट, फिर प्रोजेक्ट ही बंद करके फिर सो जाया जाएगा, है कि नहीं? गुड नाइट। हाँ, फिर यहाँ से ये सब आईडी वाईडी हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये फाइंड व्यू आईडी चाहिए, ठीक है? ये भी हटा दीजिए, ये नेक्स्ट एक्टिविटी बस एक एक्टिविटी फाइल है हमारे गैल, है ना? हमारे गैल क्या बोलते हैं? कैसे कैसे नहीं, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी भाषा सोच रहा था, सीख लो। ये नहीं से देखिए, बताओ सर, बताऊंगा फिर मैं। हाँ कहते ना, हमारी गैल आ जाइए हो, अच्छी हैं? है हमारी हाँ वही वाली बात। गैल ना। हाँ तो एप्लीकेशन तो भैया देखो अभी इंस्टॉल्ड हो रही है। अब इसमें आएगा हमारे पास एक एक रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, जिसके लिए हमने इतना सारा तामझाम किया था, ये पेज आ जाएगा, ठीक है? जिसमें मतलब थोड़ा टेक्स्ट फील्ड बढ़िया लग रहा है देखने में, ऊपर से लोगो आप सही कर दोगे तो सही हो जाएगा, है ना? और अभी ये फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, ये सब तो ऐसा नहीं है, आपने सब हैंडल किया ही है। अच्छा, तो वो हमारा ऐप का जो लोगो है वो बहुत बेकार सा है, ऐसा किसने लगाया था ये लोगो? मैंने ही लगाया था। तो ये मिप मैप के अंदर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लोगो कहाँ से उठाया जाए ये भी तो बात है। तो मेरे पास किसी प्रोजेक्ट के अंदर, नहीं ये तो दूसरा प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ट्राइबल के अंदर कुछ पिक्स पड़े हुए हैं, नहीं मीप मैप के अंदर एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी पिक्सल के ये लोगो हैं, यही लगा लेते हैं। चलो मंथन आईएएस, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, लोगो एप्लीकेशन का यहाँ से चेंज कर देते हैं, इस पे मिप मैप पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से कहाँ जाते हैं भाई, न्यू में, यहाँ इमेज एसेट्स में जाते हैं, और ये इमेज को ब्राउज कर लेते हैं, ये
यूजर्स के अंदर, लिनेवो के अंदर, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास ये था, कौन सा था भाई, यही था आईसी लॉन्चर फोरग्राउंड शायद यही था। ओके करते हैं, अभी पता चल जाएगा, यही था। तो ये थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से एडजस्ट भी करना है तो हम कर सकते हैं, है ना। इसकी साइज घट बढ़ क्यों नहीं रही है भाई, या तो ये हैंग कर गया है। हाँ वही तो, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। ये बहुत ज्यादा घट, वो हो गया है ना, तो थोड़ा स्लो चल रहा है ये एक्चुअली। चलो इसमें कोई ऐसा नहीं खास रखा हुआ है, वो तो आप अपने हिसाब से, कहाँ हम एक्चुअल इसमें चेंजेस कर रहे हैं। अब हमारी जो रजिस्टर एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा इस तरह से दिख जाएगा, और कोई बात नहीं है, बस इतना ही थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। ओके तो क्योंकि मैंने वही लोगो लगाया हुआ है, आप अपने हिसाब से लोगो लगाइए जैसी आपकी इच्छा है। अब यहाँ से टाइटल बार हटा दीजिए। तो क्या करा गया है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक एकदम लेआउट बनाया गया है जिसमें इनपुट इनपुट की कंट्रोलिंग करी गई होगी, और आपको इस एप्लीकेशन में बैकग्राउंड एक लेआउट डिज़ाइन करे गए होंगे, वो लेआउट जो है इसी के साथ आ गए, जो उसको भी समझा देता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे वैलिडेशन लगाना समझाता हूँ कि वैलिडेशन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी हम वैलिडेशन जो है बना सकते हैं, बना के रख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उसके ऊपर लोगो, ठीक है। तो वैलिडेशन कैसे लगाया जाए भाई, क्या है वैलिडेशन की कहानी। तो वैलिडेशन मतलब जैसे यही कॉमन वैलिडेशन जो आप लोग लगाते आ रहे हो, उसको हम कहीं एक जगह संभाल के रख सकते हैं, और उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही मैंने किया हुआ है। तो क्या किया हुआ है, तो मैंने बेसिकली अपने जावा के अंदर, ठीक है, जावा के अंदर बेसिकली मैंने सपोर्ट क्लासेस बनाई हुई है। इसमें यूटिलिटी करके एक क्लास बनाई है, यूटिलिटी है ना। सपोर्ट क्लासेस बहुत सारे हैं, आप ऐसे ही नाम रख लो सपोर्ट क्लास, उसके अंदर यूटिलिटी डाल दो, तो आपकी इच्छा है। आप ऐसे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो जो आपको सुटेबल पैकेज का नाम लगे कि जी इस नाम से मुझे कैटेगराइजेशन करना है, तो आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ये मैनिफेस्ट है, ये जावा है, जावा के अंदर ऐसे बना दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया सपोर्ट क्लास के अंदर यूटिलिटी। तो सपोर्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे सबकी ज़रूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन आंसर ये वो सर्विस सर्विस ज़रूरत ही नहीं है, है ना, मुझे बस यूटिलिटी की ज़रूरत है। यूटिलिटी क्या है, एक क्लास है, हमने खुद यूज़र डिफाइन क्लास बनाई है। इस यूज़र डिफाइन क्लास में हमने क्या करा हुआ है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, चलो इसको मैं बाद में समझाऊँगा, है ना। पहले यहाँ पे मुझे ऐप में परमिशन ऐड करनी पड़ेगी, है ना, नेटवर्क एक्सेस करने का, इंटरनेट एक्सेस करने का। वो शायद मैंने किया हुआ है, नहीं किया है, यूजर्स परमिशन और यहाँ पे इंटरनेट, इंटरनेट की परमिशन दे देते हैं। अब देखते हैं हटा वो इंटरनेट की परमिशन देने से। अच्छा, एक्सेस नेटवर्क की भी परमिशन देनी है हमें, एक्सेस नेटवर्क क्या है अभी समझाएं, यूजर्स परमिशन, एक्सेस या बस नेटवर्क लिखते हैं, तो अपने आप एक्सेस नेटवर्क चेंज नेटवर्क ये आ जाएगा।
ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऐड परमिशन, क्लिक कर देता हूँ यार। ठीक है, ओके। तो अब जाते हैं अपने इस नेक्स्ट डॉट जावा में। तो मैं सारा चीज़ पहले प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, पहले आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करवाऊंगा, मतलब पहले समझा देता हूँ फिर करके दिखाऊंगा, है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो भी एडिट टेक्स्ट है और ये सब बटन के नाम वाम हैं, वो सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब वेरिएबल क्रिएट करूँगा अपनी एक्टिविटी क्लास में। कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ज़रूरत है ना इसलिए। ठीक, क्या ज़रूरत होगी आपको पता ही चल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा जी, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, ये इनिट व्यूज, इनिट लिसनर, है ना, इनिट व्यू, इनिट लिसनर, और उसके बाद ये दो ही चीज़ मैं यहाँ से मैं कॉपी करूँगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। ऑन क्रिएट में ही था ये। ठीक है, तो अलर्ट डायलॉग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा अलर्ट डायलॉग कैसे हैंडल करा जाता है। इतना थोड़ा सा सिस्टमेटिक कोड लिखा गया है ना, तो इसलिए आपको अब बटन के एक ऑन क्लिक मेथड होगा हमारा, ऑन क्लिक मेथड, यहाँ पे मैं ओवरराइड कर देता हूँ अपने कोड में। ठीक है, और ठीक है, तो फिर लिसनर इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक लिसनर, है ना, ऑन क्लिक लिसनर, और ऑन क्लिक लिसनर का ये ऑन क्लिक मेथड। अब यहाँ पे क्या है, ऑन साइन अप करके एक मेथड है, राइट। तो ऑन साइन अप मेथड को यहाँ से मैं, एक मिनट यार, हाँ, ऑन साइन अप मेथड, ये मेन कोड है जो आपको मुझे समझाना है। ठीक है, ये नहीं तो एल्स हमें क्या करना है वो यही नहीं कॉपी करूंगा, बस इतना ही कोड है, ज्यादा नहीं है, है ना। ये हमने उठा लिया, हमने यूटिलिटी जो है यहाँ से, ये मैं आपको दे भी दूंगा तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में ऐसे चिपका लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं भाई सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इनिट व्यू ऑन क्रिएट में इनिट व्यू चल रहा है, यहाँ नीचे क्या है भाई, एल्स में कुछ कोड लिख देते हैं, एल्स में लिख देते हैं भाई टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, भैया रजिस्टर प्रोसेस, ऐसे मतलब आप रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाइए। ठीक, सारा एरर खत्म, कहीं एरर कुछ नहीं है। तो चलाया जाए, चलो रन कर देते हैं, देखते हैं अगर कोई एरर तो नहीं आनी चाहिए। तो इनिट व्यू पहले चलेगा, फिर इनिट लिसनर चलेगा, इनिट व्यू जो है फाइंड व्यू बाई आईडी से सारा डेटा ले आएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आज कि ये फाइंड व्यू बाई आईडी हमें नहीं चलाना है, हमारे पास डेटा अपने आप आएगा जुगाड़ से, तरीके से। ठीक है, तो इनिट व्यू से डेटा आया, और ये इनिट लिसनर है जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, और यहाँ से हमारी एप्लीकेशन अब ये लॉन्च हो गई। ठीक है, ये ऐप लॉन्च हो गई। अब ऐप में जैसे मैं बटन पे क्लिक मार देता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने क्लिक मारा तो यहाँ पे आया कि जी नेम कैन नॉट बी इम्पटी, इम्पटी वाला है। तो मैंने नेम दे दिया, लेट से मैंने नेम दे दिया एंड्रॉइड जावा टेक फॉर यू। फिर से मैंने जो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करा, तो ये अगला आ गया कि भैया ये साइन अप जो जो है ये भी इम्पटी नहीं हो सकता, है ना, इम्पटी नहीं हो सकता। तो ठीक है, इम्पटी नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे
कुछ भी दे दिया और फिर साइन अप करा, तो देख लीजिए कह रहा है कि ये ईमेल का फॉर्मेट वैलिड नहीं है ना, ये ईमेल का फॉर्मेट वैलिड नहीं है, तो ये गलत है, समझ रहे हो? तो मतलब मुझे फॉर्मेट ईमेल ईमेल टाइप का देना पड़ेगा इसमें, ठीक है? जैसे मेरा मेल आईडी है surya@gmail.com, तो वो दे दिया मैंने। नेम की भी लिमिट है कि नेम इतना ही बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा नहीं हो सकता है ना। चलिए, मोबाइल नंबर जो है मैंने 2 डिजिट का दिया, तो ये देखिए कह रहा है कि भाई मोबाइल नंबर न नो नंबर शुड बी मिनिमम 10 डिजिट का होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम दे देंगे तो कैन नॉट बी एक्सीडेड देन 10 डिजिट, है ना, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो इसलिए ये मोबाइल नंबर दीजिए, ये है ना जो मैंने यहाँ दिया है। तो ये देखिए मोबाइल नंबर, अच्छा ये +91 भी नहीं ले रहा है, इसकी भी हैंडलिंग करनी पड़ेगी, अभी हमने इसकी हैंडलिंग नहीं करी हुई है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, पासवर्ड क्या होना चाहिए भाई, 1 2 3, ये अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है, 3 डिजिट दे दिया मैंने, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट मारा, तो देखिए पासवर्ड लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 3, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 3 ग्रेटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद सबमिट मारा, जैसे मैंने सबमिट मारा एप्लीकेशन क्रैश कर गई, क्योंकि सारे वैलिडेशन को उसने फॉलो कर लिया, और एल्स में फिर जाना चाहिए था उसको, पता नहीं क्यों नहीं गया, एल्स में जाके ये मैसेज प्रिंट कर देना चाहिए था सारा, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स में ये मैसेज आ जाना चाहिए था। चलिए उसे मैं देखता हूँ। तो ये हमारा कंसेप्ट था जो आपको समझाना था, बस इतना ही कि भाई आपको मैं ये एटलीस्ट ऐसा कुछ बनाना है तो कैसे करेंगे, समझ रहे हो, ऐसा कुछ बनाना है, या आप ही सोच रहे होगे कि जी हम रियल एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें ये सब कैसे देंगे कि सर मतलब वो टोस्ट के थ्रू तो मैसेजेस देना, एक तो ये चीज़ हो गई मैसेज, दूसरा हो गया वैलिडेशन, वो कैसे कैसे लगाएंगे। तो देखिए मैंने तरीके बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, तो मैंने क्या कर रखा है, यूटिलिटी क्लास बना रखी है। इस यूटिलिटी क्लास में मतलब अपनी क्लास, ये खुद की यूजर डिफाइंड क्लास है, ऐसा ना सोचना कि ये बनी बनाई क्लास होती है कहीं पे, नहीं। तो ये सारा चीज़ जो वैलिडेट कराया जाता है ना, जैसे पैटर्न ये है या नहीं है, या ईमेल पैटर्न सही है या गलत है ना, लेंथ ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ये तो सिंपल है, बट पैटर्न सर्चिंग के लिए स्पेशली जो है जावा के अंदर java 8 में पैटर्न और मैचर करके क्लासेस अवेलेबल है, समझ रहे हो? तो ये पैटर्न नाम की एक क्लास होती है जावा में, और एक मैचर नाम की क्लास होती है। पैटर्न जो क्लास होती है किसी पैटर्न को कंटेन करके रखती है, और मैचर जो है उसको मैचेस करने के लिए होती है। तो ईमेल के लिए जी कुछ आपको रेगुलर एक्सप्रेशन तैयार करने पड़ेंगे, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन तैयार करा गया है पहले से ही, ये भी हमने कहीं से उठा लिया था कि ये ऐसे बना सकते हो। अब एक टॉपिक भी होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना, कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, उसमें ये सारा चीज़ दिया जाता है कि ये ए स्मॉल ए से कैपिटल ए होना चाहिए, ए से जेड होना चाहिए, 0 से 9 होना चाहिए, स्लैश होना चाहिए, इसमें कुछ इग्नोर होता है, ठीक है। तो आप एक काम करना, नेट पे सर्च कर लेना, पढ़ लेना कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, है ना। तो ईमेल पैटर्न के लिए एक हमने ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन, या आप किसी भी पैटर्न के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नेट पे सर्च करके आप निकाल भी सकते हो, मिल जाता है, ठीक है। तो ये ईमेल पैटर्न जो है हम यहाँ पे एक जगह पे ईमेलिंग के लिए ईमेल पैटर्न यहाँ पे एक जगह क्रिएट करके रख दिया गया। अच्छा फिर उसके बाद एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाया गया जिसका नाम है वैलिडेट ईमेल, जिसमें आप अपना ईमेल पास करोगे रन टाइम पे। ये एक्चुअली ये मेथड इंटरनली कॉल हो रहा है जब हम टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक कर रहे हैं। तो पैटर्न क्लास का मेथड होता है कंपाइल, है ना, जिसमें आप अपना पैटर्न उठा के डालते हो और ये चेक करता है कि पैटर्न सही है या नहीं। सही होता है तो कंपाइल उम्पाइल करके पैटर्न का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, और पैटर्न का जो ऑब्जेक्ट देता है उस पैटर्न से हम मैचर मेथड चलाते हैं। पैटर्न का ही मेथड होता है मैचर, जिसमें हम मैचेस कराते हैं। क्या मैच कराते हैं, जो हमारा यूजर से आने वाला ईमेल है वो क्या इस पैटर्न को मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैचेस का ऑब्जेक्ट देता है, और मैचेस का जो ऑब्जेक्ट देता है वो अगर मैचेस करता है तो बुलियन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ से ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो रिटर्न होती है उसको हम मतलब इस मेथड का ही खेल है। इस मेथड को हमने एक जगह बना के रख दिया, तो ईमेल के फॉर्मेट को ये चेक करेगा, ठीक है। आप अपना ईमेल पास करिएगा, इस ईमेल इसके पास जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उससे ये कंपाइल करके पैटर्न निकाल लेगा, पैटर्न से मैचेस चला देगा, है ना, और जो आपका ईमेल है उसका ये मैच कर रहा है तो ये मैचर का ऑब्जेक्ट दे देगा। मैचर का मैचेस मेथड होता है जो बुलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स,
ये ट्रू दे देगा तो इसका मतलब मैच हो गया, फॉल्स दे देगा तो इसका मतलब मैच नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको यूआई पे जाके उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको वो लॉजिक लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसा है। तो ये वैलिडिटी ईमेल है। ऐसे हर चीज के लिए मेथड बना लीजिए आप, सिंपल सिंपल मेथड बनाए गए हैं। जैसे इम्पटी है या नहीं कोई टेक्स्ट फील्ड, इसका क्या मेथड है? कुछ नहीं है। इज नॉट नल एक मेथड है, मेथड का नाम है। आप अपना टेक्स्ट फील्ड डालिए और टेक्स्ट फील्ड जब डालोगे, टेक्स्ट डेटा डालोगे तो उसको ट्रिम करके आगे पीछे से स्पेस रिमूव कर लिया गया और इसमें चेक कर लिया गया कि टेक्स्ट जो है नॉट नल हो एंड टेक्स्ट जो है लेंथ जो है ग्रेटर देन जीरो हो। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो सिंपल सा लॉजिक है ये, ये एक नॉट नल के लिए ये बना दिया गया, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। पासवर्ड की जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है। वैलिडेट पासवर्ड मेथड है, आपने पास अपना पास करा, पास नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए और लेंथ ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स बना दिया। आपके स्ट्रिंग में कहीं पे बीच में स्पेस अगर है या नहीं, है ना, हैव ए स्पेस, तो उसके लिए लॉजिक लिख दिया गया, ठीक है। मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें कहीं कंटेन बीच में कहीं स्पेस है या नहीं, हैव ए स्पेस और नॉट। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट करने के लिए, है ना, ऐसे। फिर आपका मैक्सिमम मोबाइल नंबर और मिनिमम मोबाइल नंबर को वैलिडेट करने के लिए। आपके सिस्टम में अगर आप ये भी चेक करना चाहते हो ना कि भाई नेट, जैसे कोई भी बटन पे क्लिक करने से पहले ये चेक करना चाहते हो कि नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं, तो इस नेटवर्क अवेलेबल के लिए ये एक कॉमन मेथड बना के रख दिया गया। ये मैं जो समझाने लायक चीज़ है क्या ये क्योंकि ये जावा नहीं है, ये प्योर एंड्रॉयड की एपीआई है। एंड्रॉयड की एपीआई होती है जिसका नाम होता है कनेक्टिफाई मैनेजर। कनेक्टिफाई मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं बनता। तो गेट सिस्टम सर्विस पे कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्टिफाई सर्विस स्टैटिक कांस्टेंट पास करते हो, इससे हमें कनेक्टिफाई मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और कनेक्टिफाई मैनेजर का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो आपके सिस्टम में कनेक्टिविटी के लिए कि ये वाईफाई अवेलेबल है या नहीं, मोबाइल का टाइप डेटा टाइप अवेलेबल है या नहीं, ये सब कुछ चेक करने के लिए होता है। तो कनेक्टिफाई मैनेजर का है ना मेथड होता है गेट नेटवर्क इन्फो। अब नेटवर्क इन्फो में कनेक्टिफाई मैनेजर का टाइप आप बता दीजिए कि अगर वाईफाई टाइप अंडरस्कोर वाईफाई अगर है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नेटवर्क इन्फो नाम की क्लास होती है ना, कि अगर वाईफाई अवेलेबल है तब नेटवर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और मोबाइल डेटा अवेलेबल है तभी नेटवर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इस दोनों में से कुछ भी वैल्यू ट्रू मिलेगी, देखो ये और ऑपरेटर लगाया गया है, और मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू, अगर ट्रू है तो नेटवर्क अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं अवेलेबल है, है ना, यहाँ ट्रू दे दिया अदरवाइज फॉल्स दे दिया। तो इससे क्या कर सकते हो ना, आप जैसे कोई सर्विस हिट कर रहे हो, एपीआई हिट करोगे, और जैसे होता है ना कि किसी सर्विस को आप चलाओ, जैसे आप क्या करो अपना नेट, आप नेट बंद कर दो और कोई एप्लीकेशन चलाओ तो कह देता है कि प्लीज़ कनेक्ट योर विथ इंटरनेट, तो यहाँ से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा के आप वहाँ यूजर पे मैसेज नहीं दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। तो एक कॉमन मेथड बना के रख दिया जिसको जहां मर्जी वहां यूज कर। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में हमें ये देखना रहता है कि कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसी चीज है जो हर जगह यूज हो रही है, तो उसकी यूटिलिटी बना लो। अभी जो है मैंने ये कुछ पैटर्न्स बना के रखे, चाहे मेल वैलिडेट करने के लिए कुछ, और है ना, एक एक लड़का था उसने और बहुत सारे वैलिडेशन बना रखे थे, बीच में स्पेस चेक करे, ऐसे करे वैसे करे, तो वो अपना अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद इसको लगाना कैसे है, तो कहीं पर भी लगा लो। वैसे हमारे केस में कैसे कॉल हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारा लेआउट है, इस लेआउट में क्या करा गया है, इस लेआउट में कुछ नहीं करा गया है, स्प्लिट करके मैं आपको डिजाइनिंग दिखा देता हूँ। सिंपल सा एक स्क्रॉल व्यू के अंदर लीनियर लेआउट डाली गई है, लीनियर लेआउट में एक इमेज व्यू हो गया, फिर एडिट टेक्स्ट हो गया। इस एडिट टेक्स्ट में देखिए ये बैकग्राउंड क्या लगाया गया है, एक शेप लगा दिया गया है, ये शेप जो है ना एक रेक्टेंगुलर शेप बना के रखा गया है, बस उसको लगा दिया गया है। तो इसको मैं क्या समझाऊँ, आप तो जानते हो पहले से ही, ठीक है, बता चुका हूँ आपको कैसे सेव बना के लगाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी हिंट विंट लगा दो और इनपुट टाइप यहाँ कंट्रोलिंग कर दो कि ये टेक्स्ट ले लो या ये ईमेल रिसीव करे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारे टेक्स्ट फील्ड वगैरह बटन वटन सब ऐसे बना दिया और क्या, ठीक। अब बटन के क्लिक करने पर इवेंट कैसे चल रहा है, क्योंकि आपने नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट जावा जो है इसके अंदर देखिए ये लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑन क्रिएट मेथड पहले चलेगा, इनिट व्यू, इनिट व्यू का मतलब क्या है, ये हमने एक यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करा जिसमें सारे कंपोनेंट की आईडी को पहले ही गेट करके रख लिया है ना। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो कि मतलब जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं लोग, ठीक है, तो मैंने ऐसे देखा था कई लोगों ने, मतलब यहाँ पे भी देखा मैंने, अभी देखा मैंने जो क्या नाम है
अमित ने एक कोड लिखा था, तो उसमें भी ऐसे उसने भी इनिट व्यू करके, इनिट लिसनर करके, या जो भी ऐसे मेथड बना के रख दिया था, तो जब जरूरत होगी तो उसको कॉल कर लेंगे, और एक ही मेथड कॉल करने से सारा काम हो जाएगा, है ना। जैसे ऑन क्रिएट मेथड उतना हैवी नहीं होगा कि इतना लॉजिक लिखा गया है, तो पहले इनिट व्यू हो जाएगा, सारे फाइंड व्यू बाई आईडी से सारा डेटा आ गया, बटन लेवल टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स, और इनिट लिसनर में हमने ऑन क्लिक लिसनर से रजिस्ट्रेशन का कोड लिख दिया है। ठीक है, ये देखिए ऑन क्लिक लिसनर में रजिस्ट्रेशन का कोड लिख दिया गया है, तो रजिस्ट्रेशन हो रखा है इसके साथ बटन का, तो इसका यही कॉल बैक मेथड चलेगा। और अगर केस के अंदर, स्विच केस के अंदर इसमें डाला गया, अगर उसके अंदर बटन होगा, बटन साइन अप बटन, अगर उसके बटन का आईडी होगा, तो ये ऑन साइन अप मेथड चल जाएगा। ऑन साइन अप मेथड में हमने क्या करा, टेक्स्टफुल से आने वाला सारा डेटा गेट कर लिया, मतलब मेन जो मेथड यही ऑन क्लिक पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करा, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, तो जो हमारा जो नेम आ रहा है, ईमेल है, पासवर्ड है, मोबाइल है, ये सबको वैलिडेट करना है हमें। तो इसके लिए हमने इफ के अंदर यूटिलिटी क्लास की, ये सब स्टैटिक मेथड है, जैसे इज नॉट नल, ये यूटिलिटी क्लास का ही स्टैटिक मेथड था, ये देखिए, है ना। तो बस यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पहले नॉट लगाया गया और लिख दिया गया इज नॉट नल। तो अगर ये नॉट इज नॉट नल होगा, मतलब इसको अगर ये क्या करेगा, यहाँ कंडीशन ये स्पेशली यहाँ पे समझ लो कि कंडीशन अगर ट्रू होगा, है ना, कि नॉट लग दिया गया तो मतलब ट्रू होगा, अगर जब कंडीशन ट्रू होगा, है ना, मतलब नॉट है मतलब उल्टा, है ना, तो उल्टा इसमें लगा दिया गया नॉट करके, तो एक काम करना, जो हमारी टेक्स्ट फील्ड होती है ना, टेक्स्ट फील्ड, उस टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी होती है सेट एरर, और सेट एरर और उसके बाद रिक्वेस्ट फोकस, हम एडिट टेक्स्ट पे रिक्वेस्ट फोकस कर देंगे, तो ये एरर मैसेज इसी टेक्स्ट फील्ड पे दिखने लगता है। तो अगर आपने अभी देखा, क्या आपने अभी देखा है कि जो भी हमारा एडिट टेक्स्ट पे ये मैसेज आ रहा था, उसी एडिट टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वो मेथड है, एडिट टेक्स्ट का मेथड है सेट एरर। ठीक है, जिसमें आप अपने हिसाब से मैसेज दे दो, ठीक है, और उस पर रिक्वेस्ट फोकस कर दो, तो ये फोकस के साथ वहां पे दिखने लगता है। ठीक, यही काम सारी जगह करा गया है, इसी एडिट एलसीफ, एलसीफ लगा के जी, एलसीफ लगा के जी, फिर उसके बाद किसके साथ, इसी टेक्स्ट फील्ड के साथ, नेम के साथ ही, ईमेल के साथ उसको एम्प्टी भी चेक करा गया है, ईमेल को इनवैलिड भी चेक करा गया है ईमेल के साथ, और क्या कुछ नहीं चेक हो रहा है। फिर मोबाइल नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर को इम्पटी चेक करा जा रहा है, मोबाइल नंबर का पैटर्न चेक करा जा रहा है, इस तरह से सबके केस में वही रिक्वेस्ट फोकस, रिक्वेस्ट फोकस, रिक्वेस्ट फोकस करके डाल दिया गया। अगर ये सारा चीज इस तरह से आप मतलब ये सर्वर पे जाएगा, और सर्वर पे जाके मतलब ऐप में ही जाके आपको यहाँ पे वैलिडेशन देगा। ठीक है, अगर ये सारा कंडीशन नहीं मैच करता है लास्ट में, तो ये एल्स चलना चाहिए था, पता नहीं एल्स क्यों नहीं चला था, या तो कुछ इसमें रहा होगा, जो भी है। तो पहले ही बताइए, इसमें कुछ पूछना है किसी को, या समझ में आ रहा है? हम चाहते तो इसे मतलब वही सेम है उठा के, अब जिसे उठा दिया, इतने सारे कंडीशन लिखने में इतना टाइम लग जाता ना यार, वो यूटिलिटी बनाने में इतनी टाइम लग जाती बस, तो हमने यूआई भी वहीं से उठा लिया, इसीलिए ये सेप भी उठा लिया, यूटिलिटी भी उठा ली, तो मुझे नहीं लग रहा है कोई समझने में दिक्कत है। बताइए आप लोग, क्या कोई दिक्कत है क्या? सर जो वो जो सर कनेक्टिंग वाईफाई वाला सर, उसका कुछ है उसका यूज ना है इसमें? इसमें अभी हमने नहीं यूज करा है, लेकिन इसी के नीचे, इसी के नीचे, जैसे मान लो आपने, मान लो कि एक बनाते फ्यूचर में बनाओगे वेब सर्विस, राइट, वेब सर्विस जो कि सर्वर पे होगा, अब ये ऐसे ही थोड़ी रहेगा आपका ऐप कि यहीं से होगा, ये रजिस्टर साइन अप बटन पे क्लिक करते ही ये डेटा साइन अप होते हुए MySQL डेटाबेस में जाएगा, समझ रहे हो, ऑनलाइन नेटवर्क से होते हुए किसी डेटाबेस में जाएगा। तो जब डेटाबेस में तभी तो जाएगा, तो जब यहाँ पे एलसिफ, एलसिफ कंडीशन में एक और कंडीशन ये नीचे लगा लेंगे कि वो क्या करे, इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर ले, समझ रहे हो, लगा लोगे ना यहीं पे ऐसे ही एलसिफ, हाँ तो यहाँ लगा लीजिए आप ना एलसिफ करके, वो कनेक्टिफाई करके, है ना। ठीक है, तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे क्या पास करना है, नेटवर्क चेक करने के लिए आपको, नेटवर्क चेक करने के लिए अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना है ना। आप बस यहाँ पे लिखिए इज नेटवर्क अवेलेबल, तो वो आपको अपने आप ट्रू या फॉल्स दे देगा। कहाँ गया ये, नेक्स्ट में गए, यहाँ आपने लगाया एलसिफ, और एलसिफ के अंदर आपने लिख दिया नॉट यूटिलिटी, ठीक है, डॉट इज नेटवर्क अवेलेबल, और आप अपनी यहाँ पे पास कर दी क्या, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बस अगर होगा तो ये चले एल्सिफ, ये चले, समझे अब, है कि नहीं?
वो अपने आप चेक कर लेगा, नहीं तो भैया ये दे देगा कि भैया ये नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं, ऐसा। तो आप लोग जो है देखो, मैंने तो काम अपना आसान करने के लिए कॉपी पेस्ट मार दी, आपको तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना, आपको तो सीखना है। तो आप इस यूटिलिटी में कुछ इन्हांसमेंट करिएगा, थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में देख लीजिएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, और इसमें से जैसे कुछ मेथड्स हमने बनाए हैव स्पेस वगैरह वगैरह, जो आपको अपने प्रोजेक्ट लेवल पे, जो जैसे जैसे मान लो ये यूटिलिटी बना के रखे हो, कल को कुछ नया आता है तो इसमें क्या करना है, थोड़ा एक आध बढ़ा देना है और क्या। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ऐसे कुछ चीज़ें बनी होती हैं तो उठाता हूँ लगा लेता हूँ, ठीक है। दो चार चीज़ें उसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मतलब चेंज हो रहा हो, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब रही बात जो हम बात आपसे कर रहे थे कि जी आपको क्या नहीं लगाना पड़ेगा, फाइंड व्यू बाई आईडी, तो आज उस पर भी से भी पर्दा उठाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, वैसे एक डिपेंडेंसी है जो आप अपने प्रोजेक्ट में डालोगे पहली बात तो उससे काम हो पाएगा, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है। बटर नाइफ करके एक लाइब्रेरी आती है, वो आप अपने प्रोजेक्ट में डालोगे, है ना। हमें बस ये दो चाहिए, एक बटर नाइफ ऊपर जकार्ता करके और एक कंपाइल करके है, उसको सिंक कर दीजिए। अच्छा, दूसरा काम आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको अपनी एक्टिविटी में, है ना, जो भी आपकी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में आपको इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इंपोर्ट कर लेना है बटर नाइफ, बाइंड व्यू और बटर नाइफ करके, ये दो ये लाइब्रेरी है जो आपने ये लगाया, तो थोड़ा सा मतलब एक बार तो काम करना ही पड़ेगा ना आपको। आप सोच रहे हो इतना सारा काम जो करने से अच्छा फाइंड व्यू आई डी लगा लो, तो ये तो प्रोजेक्ट लेवल में एक बार आपने करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया हमने, ये इंपोर्ट अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है सही से क्योंकि ये लाइब्रेरी लगी नहीं है, ठीक है। तो ये एक बटर नाइफ व्यू होता है और एक बटर नाइफ करके होता है, ये लगाइए। सर इसको पलाओ ना, कहाँ लगाओ इंपोर्ट को, क्लास। अच्छा 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 अच्छा, ये चीज है, मैं तो ये देख ही नहीं रहा हूँ, ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया, तो ये हमारी आ गई लाइब्रेरी। अब आपको क्या करना होता है, अगला जो काम है वो यही करना है कि जी आपने इसमें दिस करके ऐसे पहुंचा दीजिए, ग्रेट, जैसे यहीं पे है ना, इनिट इनिट व्यू आपने लिखा है ना, तो इस इनिट व्यू में बस लगाइए एट द रेट बाइंड व्यू। हाँ, तो ये इसी का है, बटर उसका है, बटर नाइफ का है, तो आपको फाइंड व्यू वाई आईडी नहीं चलाना है, एट द रेट बाइंड व्यू लिखना है, और बाइंड व्यू लिखने के बाद आपको अपने व्यू को बाइंड कराना है। कैसे बाइंड कराना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसने करा हुआ है आर डॉट आई डी टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू टाइप के वेरिएबल में, तो हमें भी ऐसे करना पड़ेगा। एक बार सिंटैक्स में देख लेता हूँ कि आर डॉट आई डी डॉट हमारी आई डी का नाम क्या भैया, बटन साइन अप, तो बटन साइन अप आर डॉट आई डी डॉट बटन साइन अप, और उसके बाद एक हमने बना दिया जी बटन, और फिर हमने वेरिएबल का नाम ले लिया जी बटन, ठीक है। तो जी इसको कर दिया कमेंट, ऐसे सही लिखा हमने एट द रेट बाइंड व्यू आर डॉट आई डी डॉट साइन अप, बाइंड व्यू बंधन बटन बंद हो गया, ये सबको कमेंट कर देते हैं, ऐसे ही करेंगे हम। सही नहीं लिखा है क्या मैंने तरीका, एट द रेट बाइंड व्यू आई आई डी आर से पहले बंद है, सही तो है। बटर व्यू नॉट अवेलेबल इन अ लोकल वेरिएबल, ओके, तो लोकल वेरिएबल में अवेलेबल नहीं होगा, इसको क्लास लेवल पे ही संभाल के रखना पड़ेगा, ओके। तो यानी कि आपको यहाँ पे इसके अंदर चलाना ही नहीं है, अब आप क्या करिए, क्लास लेवल पे यहीं पे ऐसे ही क्लास लेवल पे यहाँ पे संभाल के रख लीजिए, ये लीजिए। अब आपने जैसे इसको कर लिया, ऐसे ही आपको सबको करना पड़ेगा, है ना,
किसको किसको, एडिट टैक्स, बटन वगैरह वगैरह, सब कहानी को चलो मैं सबको कर ही देता हूँ। कौन कौन सा है? एडिट टेक्स्ट है तो सबके साथ। अब आपको फाइंड व्यू आईडी नहीं चलाना है, अब आपको सीधे इसी पे ही फंक्शन चलाना है डायरेक्ट। आप एडिट टेक्स्ट पे लिखना चाहते हो, एडिट टेक्स्ट पे डेटा निकाल लो। तो मतलब जैसे अगर आपको पता है कि इतने व्यू हैं हमारे पास, तो सारे व्यू के लिए एक बार एट द रेट बाइंड व्यू चला दो, एक जगह संभाल के रख लो। मतलब ऐसा है ना कि कई जगह आपकी कोड में आपको मिल गया, कहीं कोड मिल गया, तो ऐसा ना हो कि आप पहचाने ही नहीं। एक तरीका है ये, और ये भी तरीका है ना, और भी तरीके हैं जो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। आज तो बड़ा बहुत ज्यादा हो गया अभी, है ना।